हेलो फ्रेंड्स, आम एक ऐसा फल है जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। आम में विटामिन ए, सी और डी की मात्रा भरपूर होती है। लेकिन अगर आप आम के शौकीन हैं और स्वाद स्वाद में ज्यादा आम खा लेते हैं तो आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, क्योंकि आम में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। और मधुमेह के रोगियों को एक से ज्यादा आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आम में प्राकृतिक चीनी की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जो आपका शुगर लेवल बढ़ा सकती है। दुनिया भर में आम की लगभग 1500 किस्में होती हैं और 1000 आम की किस्में तो हमारे भारत में ही मिलती हैं। वैसे आम की मूल प्रजाति भारतीय आम ही है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आम लंगड़ा कैसे हो गया? मैं बताती हूँ। बनारस में एक पुजारी हुआ करते थे जो आम के बगीचों की देखभाल करते थे। पुजारी जी लंगड़ा के चलते थे, तो बस क्या था, लोगों ने उस बगीचे के आम को ही लंगड़ा बना डाला। आज पूरे भारत में लंगड़ा आम की बहुत डिमांड है। लंगड़ा आम रसीला और मीठा बहुत होता है, तो आज मैं इसी रसीले और मीठे आम से बनी हुई स्वीट डिश बनाऊंगी। जी हाँ, मैं मोनिका डेविड आज क्रिएटिव किचन में बनाने जा रही हूँ मैंगो कस्टर्ड बर्फी। मैंगो कस्टर्ड बर्फी बनाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर भी जरूर करें। 1 बाउल शुगर। शुगर को मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। 6 का पल्प ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 6 मैंगो लिए हैं और इसे भी मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर 1 बाउल। कस्टर्ड पाउडर, मैंगो और शुगर को तीनों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंगो कस्टर्ड बर्फी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो मैंगो खाना ना पसंद करता हो। मैंगो शब्द मलयालम भाषा के मान शब्द से लिया गया है। ये देखिए, पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा पतला इसको और करना होगा। इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए, तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब कढ़ाई में इसे डाल देंगे। बर्तन यहाँ थोड़ा बड़ा लेना है ताकि मिक्स करने में आसानी हो। थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम
फ्लेम में धीरे धीरे इसको पकाना है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। लगातार चलाते रहना है और धीरे धीरे इसमें घी ऐड करना है। घी को एक बार में नहीं डालेंगे, लगातार इसको चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें कस्टर्ड ऐड है तो कस्टर्ड बहुत जल्दी जमने लगता है। हाफ टी स्पून छोटी इलायची ऐड करेंगे। छोटी इलायची से खुशबू काफी अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, काफी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। ये देखिए काफी अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने काजू और बादाम यूज किया है, जिसे काट कर यूज किया है। अब ये पक चुका है। ट्रे में घी लगाएंगे और इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ऊपर से आप इसमें काजू, किशमिश या जो भी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है आप कर सकते हैं। और इसको इस तरह से दबा देना है। ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और रेडी है बर्फी के लिए। इस तरह से आप काट लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद है आप उस शेप में इसको काट सकते हैं। ये देखिए काफी अच्छी बर्फी बन गई है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी जरूर करें।